हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मल्टी डायमेंशनल एरे की प्रोसेसिंग शुरू किया था तो उसमें हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था डेवलप करना कि जो दो टेबल्स थी इंटीजर्स की उनका सम करके और रिजल्ट जो है तीसरी टेबल में स्टोर कर रहा था तो उसमें देखिए जो हमने मेन प्रोग्राम शुरू किया था पहले आप से रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए क्योंकि आधा प्रोग्राम जो है उस लेक्चर में ऑलरेडी बनाया जा चुका है अब उस प्रोग्राम में जो हम लोगों ने तीन फंक्शन यूज किए थे क्योंकि मेन के मेन जो फंक्शन है उसकी बॉडी में आप देखिए हमने तीन फंक्शंस को कॉल कौ, किया था यूज करने के लिए स्पेशली उन फंक्शन के नाम थे रीड इनपुट ठीक है उसमें हमने तीन फंक्शन यूज किए थे एक तो था रीड इनपुट दूसरा फंक्शन था कंप्यूट सम्स कंप्यूट सम्स और तीसरा फंक्शन था राइट आउटपुट राइट आउटपुट तो ये तीनों फंक्शन का यूज किया गया था पिछले वीडियो लेक्चर के प्रोग्राम में अब इन इन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मतलब प्रोग्राम जहां पे हमने पिछला ले, वीडियो लेक्चर खत्म किया था उसके बाद हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे तो वो आप यहां से नोट कर लीजिए कि उसी लाइन के बाद से आप सिंपली ये शुरू कीजिएगा कि जैसे हमने ये कमेंट लाइन दिया रीड इन ए टेबल ऑफ इंटीजर सबसे पहले हम क्या करेंगे रीड इन ए टेबल ऑफ इंटीजर्स ठीक है ये कमेंट लाइन दिया हमने उसके बाद ये तो मान लीजिए इसको हम अलग कर देते हैं ये आपका प्रोग्राम हो गया यहां से हम प्रोग्राम शुरू किया जहां हमने कल जहां हमने लास्ट वीडियो लेक्चर खत्म किया था उसके बाद से आप इस लाइन से शुरू कीजिएगा कमेंट लाइन से अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम सब, हमने सबसे पहले लिखा void रीड इनपुट हमने ये लिखा void फंक्शन का नाम दिया रीड इनपुट और इसके जो आर्गूमेंट्स थे वो हमने लिखा इंटीजर ए और ए में हमने ये एम टी ब्रैकेट और फिर ये लिखा हमने मैक्स कॉलम मैक्स कॉलम्स ये एरे डिफाइन हो गई उसके बाद हमने लिखा इंटीजर एम और इंटीजर एन ठीक है फिर यहां से फंक्शन की बॉडी शुरू करेंगे यहां पे हमने डिक्लेयर किया इंटीजर रो कॉमा कॉलम तो इंटीजर रो कॉमा कॉलम ये हो गया अब हमने यहाँ पे लिखा फॉर रो इक्वल टू जीरो से और रो इज लेस देन एम तक और क्या करेंगे प्लस प्लस रो प्लस प्लस रो ठीक है अब यहां से हम फॉर की बॉडी शुरू करते हैं इसमें हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर डाटा फॉर रो नंबर यहां पे हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर डेटा फॉर रो नंबर ठीक है और रो नंबर के बाद हमने क्या किया परसेंटेज टू डी ठीक है स्लैश एन कोट्स क्लोज और कॉमा करके यहाँ पे हमने दे दिया रो प्लस वन ठीक है ये प्रिंट हो गया और फिर कॉलम के लिए अब इस रो के अंदर फिर से हमने दूसरा लूप चलाया फॉर का कॉलम के लिए तो कॉलम इक्वल टू ज़ीरो से लेकर और कॉलम इज लेस देन एन कॉलम इज लेस देन एन तक और क्या किया हमने प्लस प्लस कॉलम ठीक है और इसमें हम क्या करेंगे हमें स्कैन एफ करना तो हमने लिख दिया स्कैन एफ ठीक है परसेंटेज डी कोर्ट्स क्लोज कॉमा यहां हमने लिखा एम परसेंट ए और रो और कॉलम ठीक है तो अब इसमें क्या होगा कि पहली रो के हर कॉलम में उसके बाद हर एक रो में यहाँ से हम डेटा एंटर कर देंगे फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे फॉर का रूप लूप बंद हो जाएगा और इसको हम रिटर्न कर देंगे जहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया गया था और ये फंक्शन बंद हो जाएगा अब उसके बाद क्या होगा कि इससे क्या होगा इससे ये होगा कि हमारा जो टेबल ऑफ इंटीजर्स की जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी यानी दोनों टेबल में वैल्यू आ गई अब क्या करेंगे ऐड द एलिमेंट्स ऑफ टू इंटीजर टेबल तो फिर हमने यहां कमेंट्स में लिखा ऐड द एलिमेंट्स ऑफ टू इंटीजर टेबल्स जो इंटीजर के टेबल्स हैं ए और बी उसके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा वॉइड कंप्यूट सम्स अब इसके अंदर जो दो आर्गुमेंट हो गए इंटीजर के तो हमने लिखा इंटीजर ए मैक्स कॉलम्स फिर दूसरा एरे लिया हमने इंटीजर बी फिर हमने इसको लिया मैक्स कॉलम ठीक उसके बाद इंटीजर सी जहां पे हमें डाटा स्टोर करना है इंटीजर सी फिर इसको हमने डिफाइन किया इस तरह मैक्स कॉलम्स मैक्स कॉलम्स और उसके बाद इंटीजर एम इंटीजर एन इंटीजर एम इंटीजर एन ठीक है ये हमने फंक्शन लिया अब फंक्शन की बॉडी शुरू करते हैं तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ पे फंक्शन की बॉडी शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे इंटीजर रो कॉमा कॉलम ठीक है अब यहाँ पे हमने किया फॉर रो इक्वल टू जीरो कॉमा रो इज लेस देन इक्वल टू एम ये हो जाएगा प्लस प्लस रो ठीक है फिर इसके अंदर कॉलम के लिए लूप चलाएंगे तो फॉर कॉलम इक्वल टू जीरो कॉलम इज लेस देन एन और हो गया आपका प्लस प्लस कॉलम ठीक है अब ये हो जाएगा आपका सी रो कॉलम इज इक्वल टू ए रो कॉलम प्लस बी रो और कॉलम ठीक है ए तो और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एड होके सी की करस्पॉन्डिंग जगह पे सेव हो जाएंगे और फिर यहाँ हमने कर दिया रिटर्न और रिटर्न करने के बाद ये फंक्शन की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई तो ये एडिशन हो गया अब सी में जो भी हमारा हो होके एलिमेंट्स आए हैं उनको डिस्प्ले कराना है तो यहां हम लिखेंगे डिस्प्ले टेबल ऑफ इंटीजर ए टेबल ऑफ इंटीजर्स ठीक है तो ये हो गया आपका वर्ड राइट आउटपुट ठीक है फिर यहां इंटीजर ए यहां हो जाएगा मैक्स कॉलम मैक्स कॉलम्स इंटीजर एम इंटीजर एन ठीक फिर यहाँ से फंक्शन की बॉडी शुरू होगी तो हमने लिखा इंटीजर रो कॉमा कॉलम ये हो जाएगा फॉर रो इक्वल टू जीरो रो इज लेस देन एम प्लस प्लस रो अब रो के अंदर कॉलम के लिए लूप चलाइए तो फॉर कॉलम इक्वल टू जीरो कॉलम इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस प्लस कॉलम ठीक है यहां पे हमने प्रिंट एफ कर दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी या परसेंटेज फोर डी ए रो और ये हो जाएगा कॉलम ठीक है फिर चूंकि हर लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए तो हमने लिख दिया प्रिंट स्लैश एन मतलब एक रो जब पूरी हो जाएगी तो अगली रो नई लाइन से आएगी फिर हमने ये जो फॉर की बॉडी यहां से शुरू की थी इसको यहां एंड कर दिए फिर हमने कहा रिटर्न और यहां पे फंक्शन बंद हो गया ठीक तो जो तीनों फंक्शन हमने यूज किए थे अपने मेन प्रोग्राम में उसको हमने यहां पे डिफाइन कर दिया है अब देखिए इसमें क्या होगा

Need not be specified explicitly. However, the second pair contains the symbolic constant max columns, which provides an explicit size specification for the number of columns. The array name appears in the other definition, are written in the same manner. Also, notice the function prototype at the beginning of the program. Each prototype is analogous to the first line of the corresponding function definition. इन पर्टिकुलर ईच एरेम इज फॉलोड बाई टू पेयर ऑफ ब्रैकेट द फर्स्ट ऑफ विच एम टी एंड से साइज स्पेसिफिकेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉलम एज रिक्वायर्ड अब मान लीजिए कि हम इसको फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टेबिल है हमारा जिसको हमें एड करना है दो टेबलों को ना तो फर्स्ट टेबिल हमने मान लिया ये है और सेकेंड टेबिल जो है वो हमने मान लिया कि ये है ठीक अब फर्स्ट टेबिल में जो ना फर्स्ट टेबल में है हमारा वन टू थ्री फोर फिर हमने कहा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये फर्स्ट टेबल है हमारी और सेकेंड टेबल है हमारी आप यहाँ शुरू करिए से हमने कहा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और 18, उन्नीस बीस इक्कीस ये दो टेबल्स हैं अब इनको जब हमें ऐड करना है तो देखिए जब यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो यहां पे लिखिए एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ठीक है अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा हाउ मेनी रोज हाउ मेनी रोज तो आपने यहां पे एंटर किया तीन यानी तीन रो हो गया फिर उसने पूछा हाउ मैनी कॉलम्स आपने एंटर किया चार चार कॉलम हो गया अब जब फर्स्ट टेबल एंटर होगी तो यहाँ पे आया फर्स्ट टेबल ठीक है एंटर डाटा फॉर रो नंबर वन तो ये आएगा लिखा हुआ एंटर डेटा फॉर रो नंबर वन तो डाटा आप एंटर करेंगे तो आप इंटर करेंगे वन टू थ्री फोर ये वैल्यूज़ आपने इंटर कर दी फिर आया एंटर डाटा फॉर रो नंबर टू तो फिर आया एंटर डाटा फॉर रो नंबर टू तो, तो फिर आपने एंटर कर दिया फाइव सिक्स सेवन एट ये वैल्यूज एंटर हो गई फिर आपने कहा एंटर डाटा फॉर रो नंबर थ्री फिर लिखा हुआ आएगा एंटर डाटा फॉर रो नंबर थ्री तो फिर आपने एंटर कर दिया नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो इस तरह क्या हुआ ये फर्स्ट टेबल की वैल्यू एंटर हो गई फिर उसके बाद क्या पूछेगा वो सेकेंड टेबल, तो फिर अगली जो लाइन आएगी दो इस तरह डिस्प्ले होके आएगी सेकेंड टेबल सेकेंड टेबल तो फिर बोलेगा एंटर डाटा फॉर रो नंबर वन तो एंटर डाटा फॉर रो नंबर वन आपने एंटर कर दिया दस ग्यारह बारह तेरह ये वैल्यू एंटर हो गई फिर आ गया एंटर डाटा फॉर रो नंबर टू फिर आ गया आपका चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ये वैल्यूज एंटर हो गई फिर आपने कहा एंटर डाटा फॉर रो नंबर थ्री तो ये हो गया अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस ये वैल्यूज एंटर हो गई ठीक अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद मैसेज आएगा सम्स ऑफ द एलिमेंट्स तो सम करके अब जो रिजल्ट दिखाएगा वो आ गया आपका ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस पच्चीस उन्नीस इक्कीस तेईस पच्चीस फिर हो गया सत्ताईस उनतीस इकतीस तैतीस तो इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद हमको रिजल्ट मिल जाएगा अब इसमें क्या होता है कि कुछ सी कंपाइलर जो है जो होते हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं कि सम सी कंपाइलर्स आर अनेबल टू पास साइजेबल मल्टी डायमेंशनल एरेज टू फंक्शन

बिकॉज सम प्रोग्राम सेम फंक्शन टू प्रोसेसने की चीज ये है, तो यह है कि कुछ सी कम्पाइलर जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे को एज ए आर्गोमेंट किसी फंक्शन को पास नहीं करने देते हैं ठीक है वहाँ पे संभव नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि आप ये कर सकते हैं कि आप एरे को ग्लोबल एरे डिक्लेयर कर दें एक्सटर्नल या ग्लोबल एरे डिक्लेयर कर दें लेकिन ये भी जो रेमेडी है ये हर जगह काम नहीं करती है तो फिर उस केस में हमें क्या करना होता है उस केस में हम पॉइंटर्स का यूज़ करके मल्टीडाइमेंशनल एरे की प्रोसेसिंग करते हैं पॉइंटर क्या होता है कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा हो प्रोग्राम मल्टी डायमेंशनल एरे की प्रोसेसिंग का प्रोग्राम जो आधा प्रोग्राम हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था उसका मेन पार्ट और बाकी तीनों फंक्शन जो थे वो हमने आज बता दिया तो इन दोनों लेक्चर्स को कम्बाइन करके ही आप देखिएगा और तभी आप इसको समझ पाएंगे तो आई होप कि आपको ये वीडियो कॉन्टेंट पसंद आया होगा अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके थैंक यू